हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो एक्स 90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपका वाईफाई अगर कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा वाईफाई जो है वो कनेक्टेड होता है लेकिन हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है कुछ कंफर्मेशन कर लेनी है। देखिए, आपके जो वाईफाई के आइकन होता है उसके नीचे अगर आपको नो इंटरनेट अगर लिखा हुआ रहता है तो आपका जो वाईफाई इंटरनेट जो है ना वो थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा वाईफाई का, ठीक है। अगर नो इंटरनेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको जो है ना कुछ प्रोसेस बताता हूँ, वो आप कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि कई बार जो है ना हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के वाईफाई में इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को सबसे पहले रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर सबसे नीचे की साइड आपको ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। तो ये तीनों आपकी फोन की नेटवर्क सेटिंग है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ठीक है। इन तीनों को रीसेट करना है कैसे, सबसे नीचे आपको रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब यहां पर आपको जो है इस पेज में अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे ना तो आपकी जो वाईफाई की जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा होता है, इस पावर बटन को आपको है ना उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट होने पर भी इंटरनेट नहीं चलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे ऊपर की साइड आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना एपीएन का पेज मिलेगा, एपीएन के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप कर देना है तो आपका नीचे की साइड ये रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एपीएन सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे तो आपकी जो वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए दोस्तों आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे जो है सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए आपको जो है ना मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपके फोन का सिस्टम जो अपडेट हो जाएगा। कभी कभी सिस्टम अपडेट होने में थोड़ा समय लेता है, आधा घंटा या मैक्सिमम एक घंटा ले सकता है, तो आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपकी वाईफाई की जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों, यहां पर जो है सारे प्रोसेस अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो वाईफाई की जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सारे प्रोसेस आप जो है जरूर यूज करके देखिएगा।